आइए जानते हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जहां नदी में पाए गए 1000 से भी ज़्यादा शिवलिंग और नंदी बैल। भारत में कई मंदिर और कई ऐसे तीर्थस्थल हैं जो आश्चर्य और रहस्यों से भरे हैं। किसी मंदिर में मान्यता है कि आज भी भगवान आते हैं और अपने भक्तों को आशीष प्रदान करते हैं, तो किसी मंदिर में ऐसी ज्योत जल रही है जिसे हवा भी नहीं बुझा पाती। कुछ ऐसे ही आश्चर्य से भरपूर एक तीर्थस्थल है कर्नाटक के सिरसी राज्य का सहस्रलिंग तीर्थ। ये एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ कलकल बहती सलमाला नदी में आज भी हजारों शिवलिंग नजर आते हैं। जब नदी का पानी थोड़ा कम हो जाता है तो उस दौरान इन सभी शिवलिंगों को आसानी से देखा जा सकता है। सोंडा गांव के पास सिरसी से लगभग 17 किलोमीटर दूर शांत सलमाला नदी बहती है। जंगलों से घिरी इस खूबसूरत नदी का एक हिस्सा एक अविश्वसनीय विरासत और इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए दिखाई देता है। सलमाला नदी के तल में विशाल चट्टानें हैं जो गहरे भूरे रंग की हैं और कठोर ग्रेनाइट पत्थर जैसे प्रतीत होती हैं। वैसे तो साल भर पर्यटक यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शिवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक का माना जाता है, क्योंकि इस बीच में नदी का पानी का स्तर इतना कम हो जाता है कि पूरे शिवलिंग दिखाई देने लगते हैं। मानसून के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से सभी शिवलिंग पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं। नदी में इतना साफ और ट्रांसपेरेंट पानी है कि नदी में शिवलिंग और नंदी बैल साफ साफ दिखाई देते हैं। मान्यताओं के अनुसार इन सभी शिवलिंगों की संख्या हजारों में है, इसलिए इस जगह को सहस्रलिंग के नाम से जाना जाता है। इनमें ज़्यादातर शिवलिंगों के पास नंदी यानी शिव जी का वाहन दिखाई देते हैं। यहाँ के कुछ पत्थरों में एक से अधिक भी शिवलिंग हैं। उनमें से कुछ आधे खत्म हो गए हैं, पर उनमें उकेरी गई नक्काशी अभी भी दिखाई देती है। इस नदी की हर चट्टान पर एक या दो शिवलिंग मौजूद हैं जो किसी अचंभे और रहस्य से कम नहीं है। बताते हैं कि जब इनके ऊपर पानी बहता है तो इनका कलर दूसरा होता है, लेकिन जब ये नदी सूख जाती है, इसमें पानी का स्तर कम हो जाता है, तो इनका रंग भूरा और स्लेटी हो जाता है। आइए जानते हैं इस नदी में जितने भी शिवलिंग हैं उनकी कहानी क्या है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कर्नाटक के सोंडा या स्वादी नायक के राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त हेतु एक ऋषि ने उनको इस नदी में शिवलिंगों के निर्माण के लिए कहा था। तब से राजा शिवलिंगों के निर्माण में लग गए और हजारों शिवलिंग बनवा के रख दिए। देवों को प्रसन्न करने के लिए राजा ने सलमाला नदी में उपलब्ध लगभग प्रत्येक शिला को शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया था। तभी से ये शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है और जो भी भक्त यहाँ पे इन शिवलिंगों का दर्शन करता है, पूजा पाठ करता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक नंदी की विशाल प्रतिमा भी है यहाँ पे जो लगभग 12 फीट लंबी है और 5 फीट चौड़ी है। वास्तव में यह विशाल नंदी की मूर्ति भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तो आप यहाँ अगर आते हैं तो यहाँ के जंगल, यहाँ की नदी और यहाँ के शिवलिंग और नंदी की मूर्तियाँ इतनी रहस्यों से भरी हैं, आपको जगह जगह पे यहाँ पे सर्प, भिक्षु आदि दिखाई देते रहेंगे जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। तो ये जगह पूरा का पूरा रहस्यों से भरा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के साथ। धन्यवाद।